ओडिशा को मोदी को उपहार प्राय 20,000 कोटीर प्रकल्प भेटी चंडीखोल रे विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास उद्घाटन और लोकार्पण कले प्रधानमंत्री पीएम कहिले विकसित भारतर गेटवे हेउ ओडिशा विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विकसित बने इसलिए बीते वर्षों में हमने ओडिशा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया है देश में बदलुची कर्म संस्कृति पूर्वरु अटके थिबा बहु प्रकल्प गत 10 वर्ष भितरे होइछि संपूर्ण विकसित भारतर संकल्प नै भविष्यत निर्माण पै निरंतर काम करुछन्ति मोदी सरकार एथि पै मोदी को फोकस रे ओडिशा मासक भितरे द्वितीय थर गस्तरे आसिछन्ति प्रधानमंत्री विकसित भारतर लक्ष्य पूर्ति दिगरे ओडिशार विकास पै पीएम मोदी लगातार देउछन्ति बड़ बड़ प्रकल्प भेटी एही धारारे चंडीखोल रे आज प्राय 20,000 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास उद्घाटन और लोकार्पण करिछन्ति प्रधानमंत्री आज का ये आयोजन इस बात की भी पहचान है कि बीते वर्षों में हमारे देश में वर्क कल्चर कितनी तेजी से बदला है पहले की सरकारों की दिलचस्पी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में नहीं होती जबकि हमारी सरकार जिस परियोजना की नींव रखती है उसे तेजी से पूरा करने का प्रयास भी करती है 2014 के बाद देश में ऐसी अनेक परियोजनाएं पूरी कराई गई हैं जो अटकी पड़ी थी लटकी हुई थी और भटकी हुई भी थी पारादीप रिफाइनरी की चर्चा भी 2002 में शुरू हुई लेकिन 2013-14 तक कुछ नहीं किया गया ये हमारी सरकार है जितने पारादीप रिफाइनरी का काम पूरा कराया एवं सांस्कृतिक ऐश्वर्य की भव्य धरोहर ओडिशा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत आज उद्घाटन होता बड़ प्रकल्प मध्य रही पारादीप रिफाइनरी 5,700 कोटी व्यय निर्मित मोनोआथलीन ग्लाइकल प्रोजेक्ट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में पारादीप 745 कोटी व्यय निर्मित 0.6 MMTPA LPG उत्तोलन सुविधा 1300 कोटी निर्मित पारादीप सोमनाथपुर हलदिया गैस पाइपलाइन एथसह 135 कोटी रे प्रतिष्ठा होइछि सामुद्रिक जल विशोधन प्रकल्प एहि प्रकल्प माध्यम रे ओडिशार लोकंकु पाइप जोगे पानी जोगाई दिया जिबो रेलवे क्षेत्र रे 6टी प्रकल्पर शिलान्यास उद्घाटन तथा लोकार्पण करिछन्ति प्रधानमंत्री मांसपाणी दैतारी दुमका जखपुरा रेल लाइन रो दोहरीकरण कनकोर कंटेनर डिपोर उद्घाटन करा जाइछि पुरी आनंद विहार टर्मिनाल उद्घाटन सह हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन रे प्रथम पैसेंजर ट्रेन को पताका देखाई शुभारंभ करिछन्ति प्रधानमंत्री पुणि केन्दुझरगढ़ नुआदिल्ली को आरंभ होइछि सीधा सड़ख ट्रेन सेवा रास्ता संयोगीकरण क्षेत्र में NH-16 रे टांगी भुवनेश्वर जाए रास्तार 6 लेन लोकार्पण NH-53 रे चंडीखोल रु पारादीप जाए रास्तार 8 लेनिंग काम NH-20 कुआख्या मंगलपुर सेक्शन रो 35.8 किलोमीटर रास्तार 4 लेन और 2 लेन काम शिलान्यास करा जाइछि प्रधानमंत्री कहिछन्ति एहि सबु प्रकल्प द्वारा ओडिशा रे विकास रो नुआ संभावना खोलुछि आज यहां 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है शिलान्यास हुआ है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं हो सड़क रेलवे और परिवहन से जुड़ी योजनाएं हो इन विकास कार्यों से यहां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी
रोजगार के नए अवसर पैदा हो। ओडिशा को गत 10 वर्ष रे विभिन्न प्रकल्प और योजना रे 18 लाख कोटी टंका अनुदान दिछंती प्रधानमंत्री। एति पई मोदी को प्रति कृतज्ञता प्रकाश करिछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र कहिछंती ओडिशा रो शिल्पायन विकास गरीब कल्याण और सामूहिक विकास पई सर्वदा दायित्व नेछंती प्रधानमंत्री। यदि विगत 10 वर्ष रे प्रधानमंत्री को ओडिशा तरफ रु कृतज्ञता देबी ओडिशा रे 49 जन 49 महानुभव मान को पद्म पुरस्कार रे सम्मानित करा जाइछ। भारत रे ओडिशा रे प्रकार केबे हि नथिला। 14 टी विशेष जिनसर जीआई टैग र मान्यता इथि मिलिछ। मन की बात रे बोध हुए प्रति वर्ष 2-4 जन ओडिया लोक मानकर अदम्य प्रयास को प्रतिफलन करके ओडिशा को गौरवान्वित करछंती। 8 लाख कोटी टंकार दायित्व विगत 10 वर्ष रे माननीय प्रधानमंत्री ओडिशा पाई नहीं चंती। ओडिशा रो शिल्पायन ओडिशा रो विकास ओडिशा रो गरीब कल्याण और ओडिशा रो सामूहिक विकास पाई प्रधानमंत्री सदैव दायित्व नहीं आछंती। देशर विकास क्षेत्र रे प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व को प्रशंसा करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहिछंती मोदी को नेतृत्व रे भारत एबे विश्वर आर्थिक महाशक्ति पलटुछि। Has set a new direction for India. He is taking India on an accelerated drive to make it an economic powerhouse. India is now the 5th largest economy, marching forward to be the number 3 in the next few years. Khushi ro kotha, manyavar Pradhanmantri. प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री और केन्द्र शिक्षामंत्री जाए समस्ते प्रबाद पुरुष बिजुबाबू जयंती रे प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करने प्रति अवदान को मन पकड़ के विकास के लिए देश के विकास के लिए बिजू बाबू का योगदान अतुलनीय रहा है। मैं समस्त देशवासियों की तरफ से श्रद्धेय बिजू बाबू को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। भारत का भाग्य आईफोन ओ संगसाथी आपनक पिलाटीर पाठपढ़ा ओ करियर को प्रभावित करूछि कि आपण सेतिपई विवृत कि तेबे आज ही आसंतु आपण चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।